और ज्ञानवापी तहखाने में पूजा अर्चना की अनुमति देने के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट से मस्जिद पक्ष को कोई फौरी राहत नहीं मिली। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने 31 जनवरी की स्थिति बहाल करने की मांग की और अब इस पर अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने कहा कि मस्जिद पक्ष पहले 17 जनवरी 2024 के आदेश को चुनौती दे। इस आदेश से जिलाधिकारी वाराणसी को रिसीवर नियुक्त किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक लगाए जाने की मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई की और साथ ही याचिका के आधार पर पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और उसके बाद कहा है कि मुस्लिम पक्ष इस मामले में संशोधित अपील फाइल कर सकता है। हमारे साथ एडवोकेट सुनील सिंह है, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताएं क्या हुआ कोर्ट में आज इस पूरे मामले? मस्जिद पक्ष ने जो है इसमें FAFO दाखिल किया जिसका डिफेक्टिव नंबर जो है 136/2024 है। मस्जिद पक्ष के वकील ने इसमें जो है 31/1/2024 में जो डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी का आदेश है उसमें मस्जिद में ज्ञानवापी मस्जिद में जो पूजा का आदेश करने का आदेश दिया गया है उस पर रोक लगाने की मांग की, जिसको जो ऑनरेबल जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल कोर्ट नंबर 6 ने जो है साफ इनकार कर दिया। चूंकि अभी इनकी पिटीशन में जो है उस आर्डर की सर्टिफाइड कॉपी नहीं थी जिसके लिए उन्होंने एग्जेंशन एप्लीकेशन से ये FAFO फाइल किया था और इसमें अगली तिथि जो है 6 फरवरी 2024 नियत की है। अपने इस पूरे मामले में एक तरह से कह सकते हैं कि ये कहा है कि जो 31 जनवरी का आदेश है वाराणसी जिला न्यायालय का उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेकर के उसको चैलेंज किया जाएगी। जो रोक लगाने की मांग थी उसको इनकार किया है लेकिन कहा है कि आप ऑर्डर चैलेंज करें। हाँ, उस आदेश चैलेंज किया है लेकिन उस आदेश की चूंकि सर्टिफाइड कॉपी जो है नहीं थी तो उन्होंने कहा 6 जनवरी को उसकी सर्टिफाइड कॉपी फाइल करिए और इसी के साथ जो है 17/1/2024 की एक अमेंडमेंट एप्लीकेशन ऑर्डर 40 रूल 1 के तहत दाखिल है उसको भी जो है मस्जिद पक्ष ने चैलेंज किया है और उस पर भी सुनवाई जो है 6 फरवरी 2024 को ही होगी। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज। वाराणसी के ज्ञानवापी तहखाने में किस तरह दर्शन किया जा रहा है, महाश्रद्धालु कैसे दर्शन कर रहे हैं, इस पर ज्ञानवापी के परिसर के अंदर से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी। वाराणसी के ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा अर्चना की शुरुआत हो चुकी है तो पूरी सुर्खी है और वहीं से जो दर्शन करने के लिए लोग निकल रहे हैं वो उस तहखाने में दर्शन कर रहे हैं। 21 सालों के लंबे इंतजार के बाद ये दिन आया है जब व्यास जी के तहखाने में शुरुआत हो गई है। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो वहाँ पर रेलिंग लगी हुई है उस रेलिंग के नीचे एक खाना छोड़ दिया गया है जहाँ पर पुजारी अंदर जाकर के पूजन करते हैं और वहीं से जो भक्त हैं वो प्रभु का दर्शन कर पा रहे हैं। कोर्ट के आदेश से व्यास जी के तहखाने में दर्शन शुरुआत हो गई है और ये मौका अब आगे जारी रहे इसके लिए हिंदू पक्ष लगातार कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा है और ये भी मानता है कि ये जो दर्शन पूजन की तैयारी शुरू की गई है ये एक मुख्य आधार है, एक मुख्य सबूत है पूरे ज्ञानवापी पर स्वामित्व के अधिकार को पाने का। हालांकि अब चारों प्रहर की आरती हो रही है, पूजन हो रहा है, भोग लग रहा है वहां तहखाने में और वहीं पर हर भक्त को भोर में 3:30 बजे यानी कि मंगला आरती से लेकर के रात की शयन आरती यानी कि